यह नहीं पता कर सकते कि जो किस हमारी बॉडी के किस पार्ट में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन है। इस टेस्ट से हम सिर्फ यही मेजर कर सकते हैं कि बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन चल रही है। सो ESR इज नॉन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर इन्फ्लामेशन। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे ESR का मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, जो नॉर्मली RBCs होती हैं वह बॉटम में धीरे धीरे सेटल डाउन होती हैं, क्योंकि जो उनकी सरफेस है RBC की, उनकी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक RBC दूसरी RBC को रिपेल करता है, पास पास नहीं आने देता, जिसकी वजह से जो सेडिमेंटेशन है वह बहुत स्लोली होता है। बट यदि किसी व्यक्ति के बॉडी में इन्फ्लामेशन है या फिर कोई भी इन्फेक्शन है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वह एक्टिवेट हो जाता है। उस व्यक्ति की जो WBC होती हैं वह एक सिग्नल भेजती हैं लीवर को। लीवर को जैसे ही वह सिग्नल मिलता है तो लीवर एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। और ये जो फाइब्रिनोजन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। और जब हमारा लीवर इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को ब्लड के अंदर सिक्रीट करता है, तो ये फाइब्रिनोजन RBC के सरफेस पर जाकर वहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, जिसके कारण जो हमारी RBC हैं वह आपस में चिपक जाती हैं और कोगुलेट हो जाती हैं। इससे एक रूलेक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण एक RBC दूसरी RBC के ऊपर चिपक जाती है, और जिससे RBC का जो वेट है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसका जो सेडिमेंटेशन है वह भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। यदि किसी व्यक्ति की बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है या फिर कोई भी डिजीज है, तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति के बॉडी में फाइब्रिनोजन की जो मात्रा है वह बहुत अधिक पाई जाती है। यदि ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति का ESR टेस्ट करेंगे तो फाइब्रिनोजन की मात्रा अधिक होने के कारण उसका रूलेक्स का फॉर्म बनेगा और RBCs वो आपस में चिपक जाएंगी, जिसके कारण जो उनका जो सेडिमेंटेशन है वह भी बहुत अधिक हो जाएगा। और उसका ESR यदि हम 1 घंटे के बाद नोट करेंगे तो ESR की जो वैल्यू है वह भी बहुत अधिक बढ़ी हुई पाएगी। दोस्तों, तो अभी हमने पढ़ा जो ESR है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, यानी जो ESR है वह किस तरीके से सेडिमेंट होता है। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों जो ESR है उसके कितनी स्टेजेस होती हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम ESR को मैनुअल मेथड से परफॉर्म करते हैं तो इसमें करीबन 1 घंटा पूरा लगता है। 1 घंटे के बाद ही जो हमारा ESR की जो रीडिंग है उसको मेजर करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम एंटीकोगुलेंट ब्लड को ट्यूब में 1 घंटे के लिए स्टैंड पर वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं, तो पहले 10 मिनट में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे RBCs हैं वह उनका जो रूलेक्स का फॉर्म बनना स्टार्ट होता है, जो RBCs हैं वो आपस में चिपकने लगती हैं, और जो ये रूलेक्स का फॉर्मेशन है वह 10 मिनट तक चलता है, और ये होती है ESR की फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी RBCs हैं वह तेज़ी से बॉटम में सेटल डाउन होने लगती हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में रूलेक्स का फॉर्मेशन हो जाने की वजह से जो RBCs हैं उनका वेट बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण वह सेकेंड स्टेज में
क्योंकि आरबीसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से जो प्लाज्मा प्रोटीन है बहुत कम रह जाएगा, जिससे होगा क्या, जो आरबीसी की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो आरबीसी हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, पास पास नहीं आने देंगे, जिसकी वजह से जो रूलेक्स का फॉर्मेशन है वह नहीं हो पाएगा और जो सेडिमेंटेशन है वह भी बहुत स्लोली स्लोली होगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन है ही नहीं। यदि कोई पॉलीसाइथमिक पेशेंट है लेवल है वह बहुत हाई आएगा, और जो सेडिमेंटेशन